मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर शेष सीटों पर यथावत कार्यक्रम के अनुसार ही पंचायत चुनाव होंगे। ये निर्णय आयोग ने शनिवार को आयोजित बैठक में लिया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आयोग शुक्रवार देर रात ओबीसी सीटों का चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आज होने वाले आरक्षण की प्रक्रिया निरस्त कर चुका है। पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण रद्द करने के फैसले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भाजपा ने कोर्ट में मध्य प्रदेश का केस सही तरीके से पेश नहीं किया, हम इस बात का विरोध करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मेडिकल ऑफिसर 2021 के 576 पदों पर इंटरव्यू आगामी 10 जनवरी से शुरू होंगे, जो 3 फरवरी तक चलेंगे। खास बात है कि इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को वैक्सीन के सर्टिफिकेट भी साथ लेकर आने होंगे। उत्तर से आ रही सर्द हवाओं के कारण प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ ठंड के आसार बने हुए हैं। आने वाले 3 दिन तक इसी तरह सर्दी रहेगी। भोपाल और इंदौर में न्यूनतम तापमान और नीचे आ सकता है। 25 दिसंबर के बाद एक बार फिर तापमान कम ज्यादा होगा। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में लगातार दूसरे दिन 21 पॉजिटिव मिले हैं। सबसे ज्यादा इंदौर से 10 केस सामने आए हैं। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।